इस वक्त सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है कि सीएट टायर का बायकॉट किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि सीएट टायर ने आमिर खान को अपने ऐड में ले लिया और आमिर खान ने ऐड में ये कह दिया कि सड़क पटाखे चलाने के लिए नहीं है। तो सिर्फ इसीलिए बायकॉट किया जा रहा है सीएट टायर को कि इन्होंने एक तो आमिर खान को ऐड में लिया और ऊपर से ये कहलवा दिया कि सड़कें पटाखे जलाने के लिए नहीं हैं। अब अगर इस एडवर्टाइजमेंट को देखें तो आपको देख के फील होगा इस एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी गलत नहीं है। दरअसल में ये कहा जा रहा है कि सीएट टायर को ये नहीं दिखता कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं हैं। यकीनन अगर सीएट टायर को दिखता भी होगा तो इस एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी ये तो नहीं कहा कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए है। हकीकत तो ये है कि जो लोग कह रहे हैं सीएट टायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे उन्हें इस बात से दिक्कत नहीं है कि सीएट टायर के ऐड में ये मैसेज दिया गया है दीवार सड़कें पटाखे चलाने के लिए नहीं है। उनको दिक्कत इस बात से है कि आमिर खान को ऐड क्यों मिला है। इससे पहले स्नैपडील का बहिष्कार हुआ, स्नैपडील का तो इतना बहिष्कार हुआ कि उनको आमिर खान को अपने ऐड में लेना काफ़ी भारी साबित हुआ। और आज अगर ई कॉमर्स की बात करें तो स्नैपडील लगभग गायब है। इसके अलावा लोग कह रहे हैं कि हम उस दिन मानेंगे आमिर खान को जब वो नमाज के बारे में कुछ बोले, ये बोले कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं हैं। इससे पहले पीके में भी आमिर खान ने यही किया था, सिर्फ अपने धर्म के अलावा बाकी सभी धर्मों को टारगेट किया था और अपने धर्म के रोग नंबर्स को दिखाया ही नहीं। जाहिर सी बात है इस तरह के विवाद होते रहते हैं और जैसे ही आमिर खान को कोई ऐड मिलता है वैसे ही बॉयकॉट गैंग आ जाता है उस ब्रांड का बॉयकॉट करने। और आमिर खान को जैसे ही सीएट टायर का ऐड मिला, हालांकि ये ऐड एक हफ्ते पुराना है लेकिन लोगों की नज़रों में अब आने लगा है, तो अब इसका विरोध हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि अब हम सीएट के टायर्स नहीं खरीदेंगे क्योंकि सीएट टायर को सिर्फ दिवाली ही मिली थी। सीएट टायर ने ये मैसेज क्यों दिया कि सड़कें पटाखे जलाने के लिए नहीं है और नमाज के बारे में क्यों कुछ नहीं बोले। हालांकि मैसेज में कुछ भी गलत नहीं है लेकिन लोग कह रहे हैं एक तरफा, इसमें दूसरे धर्म की भी बात होनी चाहिए थी। क्योंकि सोशल मीडिया है, हर कोई अपने ओपिनियन व्यक्त करता है, तो आज हम एक ऐसे वक्त पर पहुँच चुके हैं जहाँ लोग एक एडवर्टाइजमेंट में भी अपना ओपिनियन देने से नहीं चूकते। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।